पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि किसानों को गेहूं का मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। पटवारी ने कहा, किसानों को गेहूं का वाजिब दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल सरकार दे, इसके लिए कांग्रेस एक यात्रा निकालेगी। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, सीएम शिवराज खुद को किसान पुत्र और किसान नेता बताते हैं, लेकिन मैंने 3,000 प्रति क्विंटल गेहूं की बात कही तो मुख्यमंत्री ने मुझे निलंबित करवा दिया। निलंबन के बाद खुद बीजेपी के विधायकों ने कहा कि अच्छा मुद्दा है, इसे उठाओ। 3,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को सरकार दे, इसके लिए एक यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में ये यात्रा निकलेगी। जल्द ही इस यात्रा का रोड मैप जारी किया जाएगा। प्रदेशवासी, मैं मीडिया के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब ये बात मैंने विधानसभा में उठाई तो सब विधायकों से समर्थन मांगा। कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन दिया, बीजेपी के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया। पर बाहर आया जब मैं सदन के बाद, निलंबन होने के बाद, तो उन्होंने सबने कहा, भैया मुद्दा अच्छा है, हमें भी किसान ही वोट देते हैं, आप इस बात को उठाओ, हम भी आपके साथ हैं। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, पर भावना हमारी है। तो जो बीजेपी के विधायक हैं उनका मन भी है कि 3,000 रुपया क्विंटल किसानों के अनाज का भाव हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।